प्रयागराज जिले की दो लोकसभा सीटों फूलपुर और इलाहाबाद संसदीय सीट पर छठवें चरण में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव में शत प्रतिशत मतदान के लिए जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की ओर से मंगलवार को एक जागरूकता रैली निकाली गई। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए शहरी क्षेत्र के लगभग 2500 शिक्षक और शिक्षिकाओं ने बाइक और स्कूटी रैली निकालकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। मतदाता जागरूकता बाइक स्कूटी रैली को प्रयागराज के कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने केपी इंटर कॉलेज मैदान में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम प्रयागराज नवनीत सिंह चहल ने शिक्षक और शिक्षिकाओं को मतदान की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि शिक्षकों पर न केवल खुद मतदान करने की जिम्मेदारी है बल्कि मतदाताओं को जागरूक करने की जिम्मेदारी है। स्वीप के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकाली गई बाइक रैली बालसन चौराहे से स्काउट गाइड होते हुए एजी ऑफिस चौराहे पर पहुंची, जहां से पत्थर गिरजाघर होते हुए वापस आकर केपी इंटर कॉलेज के मैदान में रैली का समापन हुआ। देखिए यहाँ पर एक स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत एक बाइक रैली का आयोजन यहाँ पर किया गया, जिसमें मंडलायुक्त महोदय के द्वारा हरी झंडी देकर सभी बाइक्स को रवाना किया गया है। ये सभी बाइक्स हमारी शहर में जाकर विभिन्न क्षेत्रों में जाकर और एक संदेश देंगी कि अपने मताधिकार का प्रयोग 25 मई को जिस दिन प्रयागराज जनपद में मतदान का दिवस है उस दिन सभी लोग जरूर करेंगे, अपने घरों से बाहर निकलेंगे, एक अवकाश का दिन का समझकर अपने लोकतंत्र के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको सभी लोग निभाएंगे। तो ये एक संदेश लेकर एक बाइक रैली आज यहाँ पर रवाना की गई है और पूरे शहर भर में अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ये एक संदेश लेकर जाएगी।